लॉकडाउन के दौरान हमीरपुर के रोशन शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के मालिक के द्वारा 40 दुकानदारों का किराया माफ किए जाने पर आज शहर के जाने माने समाजसेवी शांतनु कुमार ने कॉम्प्लेक्स के मालिक प्रदीप कुमार को टोपी व स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर शांतनु कुमार ने कॉम्प्लेक्स मालिक प्रदीप कुमार का लॉकडाउन की स्थिति में दुकानदारों का किराया माफ करने का भी आभार जताया। समाज सेवी शांतनु कुमार ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान हमीरपुर में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स मालिक ने मिसाल कायम की है और दुकानदार परेशानी झेल रहे हैं। उन्होंने कहा कि दुकानदारों का किराया माफ किया है, जो कि बहुत ही सराहनीय काम है। उन्होंने कहा कि इसी के चलते आज प्रदीप कुमार को सम्मानित भी किया गया। हमीरपुर का आज देश पूरा विश्व जो कोरोना वैश्विक महामारी से उसका जो प्रकोप झेल रहे हैं, उसमें दुकानदारों के दुकान कोई 3-4 महीना से दुकान बंद पड़े हैं, व्यापारियों के व्यापार ठप है। आज उनको किराए के लाले पड़े, रोटी के लाले पड़ रही हैं। ऐसे हालत में मकान मालिक किरायेदारों को निकाल रहे हैं, दुकानदार दुकान खाली कर रही हैं, उनको किराए के लिए उनको परेशान कर रही हैं। आज ऐसे नौबत में जहाँ दुकानदार इतने परेशानी झेल रहा था, ऐसे मौके पर हमीरपुर जिला की रोशन ज्वेलर्स के मालिक प्रदीप जी ने इतने बड़े कदम उठाया, जिन्होंने लगभग 4.25 लाख रुपया की किराया उन्होंने अपने किरायेदारों की मालिक ये माफ़ किया है, जो 40 के लगभग दुकानदार है। तो ऐसे मुसीबत में इतनी बड़ी बात उनके लिए इतनी राहत भरी खबर है, जो पूरा प्रदेश के लिए बहुत अच्छी सूचना है, अच्छा कदम है। और इनको देख के हम सभी लोगों को कुछ सीखने को मिला है, हमारे लिए प्रेरणा स्रोत बने हुए प्रदीप जी, जिन्हें इतने लाख रुपया 4 लाख की लगभग जो इन्होंने माफ़ किया है। मैं सभी से निवेदन करूंगा कि सब इनको देख के कुछ ऐसा समाज के लिए उठ के कुछ ऐसा कदम करना चाहिए, ताकि सभी लोगों के लिए ऐसा सबक बने। कॉम्प्लेक्स मालिक प्रदीप कुमार का कहना है कि समाज से भी शांतनु कुमार के द्वारा सम्मानित किए जाने पर इनका आभार व्यक्त करता हूं। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के दौरान दुकानदारों को आर्थिक घाटा हुआ है, इसी के चलते दुकानदारों का किराया माफ किया गया है। इनका बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने तो एक छोटा सा कार्य किया है और जो मेरे लिए बनता था वो मैंने किया है। इनका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इनका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने जो मैंने कार्य किया है उसको इन्होंने उसको प्रोत्साहित मेरे को किया है। गौरतलब है कि शांतनु कुमार हमीरपुर में समाज सेवा का काम पिछले 2 दशकों से कर रहे हैं और शांतनु कुमार लावारिस शवों को शमशान घाट में पहुंचाने के अलावा उनकी हड्डियों को हरिद्वार में भी पहुंचाते हैं और अभी तक 500 से ज्यादा लावारिस शवों को अंतिम संस्कार कर चुके हैं, जिसके लिए कई बार प्रशासन और संस्थाओं के द्वारा भी नवाजा जा चुका है।